प्रयागराज में जारी माफिया अतीक अहमद के करीबियों पर बुलडोजर की कार्रवाई का दायरा जनपद तक पहुंच गया। शुक्रवार की दोपहर चायल के भाखंडा गांव में अतीक के करीबी अब्दुल कवि के घर को दहा दिया गया। इस दौरान एडीएम एसपी सहित भारी पुलिस बल तैनात रही। कार्रवाई से पहले पुलिस ने बड़े पैमाने पर घर से अवैध असलहे बरामद किए। चायल तहसील के भाखंडा गांव में रहने वाले अब्दुल अली का आलीशान मकान बना है। इस मकान में कई कमरे और रहन सहन का आलीशान साजो सामान मौजूद है। अब्दुल अली का बेटा माफिया अतीक अहमद का करीबी शूटर है, जिसका नाम बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में नामजद होने के बाद सामने आया था। हत्याकांड के बाद अब्दुल कवि लगातार पुलिस की पकड़ से फरार था। गांव में आलीशान कोठी किसी और की आज तक नहीं तैयार हो सकी। कोठीनुमा बने मकान मुख्य गेट पर पुलिस एवं अधिवक्ता बताने वाले नेम प्लेट लगाया गया है। जानकारी के अनुसार 15 दिन पहले सीबीआई कोर्ट का एक नोटिस पुलिस ने तामील कराते हुए चस्पा किया था, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए कि यदि आरोपी अब्दुल कवि जल्द आत्मसमर्पण नहीं करता तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। बावजूद इसके अब्दुल कवि न तो हाजिर हुआ और न आत्मसमर्पण किया। एडीएम जयचंद्र पांड्या के नेतृत्व में शुक्रवार को एडिशनल एसपी समर बहादुर कई थाना पुलिस की फोर्स के साथ भाखंडा गांव पहुंचे, जहां अब्दुल कवि के करीबियों को बाहर निकाल मकान की तलाशी ली गई। सर्च कार्यवाही में पुलिस ने आधा दर्जन के करीब अवैध असलहे घर के अंदर से बरामद किया। इस दौरान बुलडोजर से मकान के गेट कमरों को जमींदोज कर दिया गया। एडीएम जयचंद्र पांड्या ने बताया, शासन से मिले निर्देश के क्रम में जांच के दौरान मकान को अवैध रूप से निर्माण करा पाया गया। पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर से अवैध निर्माण दहाया गया।